गणपति पुले में ये प्राचीन कुंकन बहुत हाँ बहुत सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर प्राचीन कोंकणी संस्कृति को दिखाया गया है। ये यहाँ पर स्टैंड है और ये टिकट घर है और ये इधर इसका वो है एंट्रेंस जहाँ से अंदर जाएंगे। टिकट ये देखिए बहुत ही शानदार बनाया है ये। और ये एक फार्मर बनाया है बिल्कुल। टिकट काउंटर प्राचीन कोंकर में टिकट है 8:30 से 5:15 तक खुला रहता है, 6 म्यूजियम बंद होता है। जी इधर से हम अंदर आए थे और ये पहल दूध पी रहा है, गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिला रही है। यह और सुंदर ये हम प्राचीन कोंकण के अंदर आ गए हैं और ये स्पाइसेस भी यहाँ पे लगी हुई है। बहुत प्राचीन शैली में इसको बनाया गया है ये और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है जिस पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं। ये एंट्रेंस का काउंटर है जहाँ पर टिकट चेक होगा और आपको किया जाएगा। यहाँ से आप अंदर जो रेस्टोरेंट है उसका जो है हम यहाँ पे भुगतान करके एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। अभी गाइड आएगा, गाइड का बुलावा आ गया तो हम लोग जा रहे हैं। ये कितना गाइडेड टूर है पूरा और हर ट्री पे उसका इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। अक्षत नक्षत्र बाग सराइज लिब्रा। नमस्कार, मैं सनिका आपका प्राचीन कोंकण में स्वागत करती हूँ और ये गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ पर हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है और एक के जम नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उसकी पूजा अर्चना करने से उस व्यक्ति को धन सौख राहत प्राप्त होती है। आप एग्जिट करते समय बाहर बोर्ड लगाया है वो देख सकते हैं। जिनके पास कैमरा टिकट हो वो फोटो निकालते हुए चलिए, एग्जिट का रास्ता अलग है। पिंपल पार्क ये काजरा, ये पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। इसको दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्थर से बंधा है उसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। ये पार बंधा गया तब यहाँ एक पीपल का पेड़ लगाया गया, इसलिए इसकी उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये पीपल का पेड़ 400 साल पुराना है, नहीं पेड़ पहले से रहा होगा ना। सयादी चौसलीस हिरड़े तालकोट ये शिलालेख है। इस शिलालेख पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी। इस कविता में नंदनवनी शब्द आया है। नंदनवन शब्द का अर्थ है स्वर के देवता इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना ही हमारा कोंकण सुंदर है। ये गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है।
गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। अब हम देखने वाले हैं 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें, परंपराएं कैसी थी। आते समय थोड़ा झुक कर आइए। चलो पुड़ चलो। कोकम एक कोकम करके थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ ये कोकम का पेड़ है, इसका शरबत कोंकण रीजन में बहुत अच्छा है। हाँ हाँ अजगर, ओ ये अजगर पुड़े आ पुड़े अजगर अजगर ये कोकम का पेड़ है। कोकम के फल से जूस निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल कोकम आगल और कोकम शरबत में किया जाता है। इसके छिलके से कोकम यानी अमसूल तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर अजगर दिखाया है। भेरली मार्ट तो दिखता है। अजगर तो दिखता है। अच्छा हाँ बताया था। आज कल हम लोग गए थे उधर जैगर फोर्ट। हाँ उसके बाद लाइट हाउस देखने, तो उधर घास पड़ी हुई थी, तो बताया कि इसमें सांप अजगर सब आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। धूप में जरा तकलीफ है ना? नहीं नहीं ठीक है। वहाँ से समुद्र का व्यू अच्छा आता है। आप राइट साइड में जाना, ऊपर वहाँ पे ना। हाँ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं परशुराम से। ये परशुराम जी, ये परशुराम धरती भी कहलाती है शायद, है ना? रत्ना वही इधर है ना, परशुराम का टेंपल है। हाँ रत्नागिरी में चिपलून में है। अच्छा ये है भगवान परशुराम। हमारे पुराणों में उल्लेख हुआ है बड़ी हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीती और जीती हुई सारी पृथ्वी उन्होंने दान की। दान की हुई कोई भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समुन्दर था। उन्होंने उसे युद्ध किया और उसे 40 या 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोकण कहते हैं। इस कोकण को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। बहुत हरा भरा, बहुत मेंटेन्ड है ये गार्डन। टिकट नहीं रहता ना, मेंटेन नहीं रहता। नहीं गाइडेड टूर है ना यहाँ पर, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने स्पाइस गार्डन तैयार किया है। आप यहाँ से जाकर वहाँ नीचे आना है। अंदर स्पाइस के पेड़ है, पेड़ के आगे बोर्ड लगाए हैं। यहाँ से जाकर वहाँ नीचे आना है। ओके ये क्या है? फड़स। फड़स ऊपर स्पाइस गार्डन में जा रहे हैं। लॉन्ग और वनवासी हिरण, ये वनवासी चीता, जायफल बहुत अच्छा। हाय हमारी टीम भी हमको मिल गई। हाँ जायफल कुमकुम दालचीनी
आम्बे हलद टर्मरिक हल्दी त्रिफला बहुत अच्छा टेस्ट है। नहीं कड़ी पत्ता पेरखंड आपटा तमाल पत्र इंसुलिन वाह काली मिरी सुरंगी पुष्कोले ये स्टेचू बनाया हुआ है और ये टाइगर कोकम लोड़ा ये माड़ी वाला जो माड़ी निकलते हैं खुल ये टाइगर है गांव का शिकार कैसे करते हैं वो दिखाया गया ये गांव का शिकार गांव शिकार त्रिफल माड़ी वाला ताड़ी निकालते हैं इसको माड़ी वाला बोलते हैं इसको पिया जाता है ये घर के बाहर गांव शिकार के लिए उनकी चित्रकारी से शो किया गया है ये ग्राम देवता का मंदिर है पहले धार्मिक संस्था ही गांव नियंत्रित करती थी गांव में दो लोगों का झगड़ा हो गया तो सब गांव के लोग इकट्ठा होकर गांव के मुखिया यहां न्यायदान करते थे और एक विशेषता ये है संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक साथी धर्म के लोग अपने अपने मंदिर चर्च और मस्जिद में जाकर भगवान जी का दर्शन लेते हैं हम कोंकणी लोग भी साल भर में मंदिर में जाकर भगवान जी का दर्शन लेते हैं लेकिन हमारे यहाँ सन शिव का यानी होली का त्योहार मनाते हैं तब इस भगवान को पालकी में बिठा कर हर घर में लेकर जाते हैं यानी कि कोंकणी लोग और भगवान दैवित कि हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है इस देवी का नाम विरगल चौहाटा ऐसा कहते हैं कि जिस जंगल में बाघ पाए जाते हैं वो जंगल समृद्ध माना जाता है 500 साल पहले का जंगल इतना ही समृद्ध था इसे हमारे भाव और विश्व में भगवान का स्थान है हम कोंकणी लोग वर्ड पीपल इनका नीचे का भाग मिट्टी से बंधा हुआ है ये ताश 110 साल पुराने हैं बजाने वाले कुशल हो तो इनका आवाज 1 से 2 किलोमीटर तक पहुंचता है इनका इस्तेमाल संदेश वहन और धार्मिक कार्यों में किया जाता है ये चौहाटा देवी हमारे यहाँ इसे भगवान का स्वरूप मानते हैं हमारे यहाँ सन शिव का यानी होली का त्योहार मनाते हैं तब गांव के सुख सुविधा के लिए यहाँ मन्नतें मांगी जाती है और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए पूजा की जाती है ये वीरगल है वीर लोगों का प्रतीक चिन्ह फ्रेंड्स प्राचीन कोंकण दर्शन का ये
वीडियो आप ट्रैवल गुरु राजीव में देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। पर्यटन का पूरा इतिहास और कैसे लोग रहते थे, क्या उगाते थे, क्या खाते थे, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से है। और ये हमारा एक गाइडेड टूर है। अगर आपको हमारा ये ना रहा हो तो हमारे YouTube चैनल ट्रैवल गुरु राजीव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लगभग 3 पार्ट में आएगा। तब तक आप इस वीडियो को समय देने के लिए खूब खूब आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।